वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आज है 5 जनवरी, दैट इज फ्राइडे, एंड आज से हम लोग डेली व्लॉगिंग शुरू करेंगे. स्मॉल स्मॉल वीडियोज बनाऊंगी मैं डेली व्लॉगिंग के, सो दैट इट वॉन्ट बी बोरिंग. बट या आज से हम लोग डेली व्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं. तो 5 जनवरी है, अराउंड सो अराउंड 10:45 बज चुके हैं. आई नीड टू लीव फॉर ऑफिस जल्दी से. आई गिव यू अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेटर, बट लेट्स गो टू ऑफिस पहले. सो आई एम वेयरिंग अ ब्लैक टॉप with Zara pants and it's looking very nice, very professional, very very aesthetic and professional. So my watch and I'm leaving for office. ऑफिस का कॉल मैंने इधर से ही ज्वाइन कर लिया, मैंने कार से ही ज्वाइन कर लिया ऑफिस का कॉल. कॉल पे बात करते करते तो अभी आई रीच इन 10 मिनट्स. सो बेसिकली आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर. सो मैं एक्चुअली मेरे ऑफिस का नाम नहीं बता सकती बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, बट आई एम अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर इन पुणे. मेरा ऑफिस शिवाजी नगर में है, तो मैं वाकड़ से शिवाजी नगर जाती हूँ. 1 सेकेंड, सिग्नल इज ऑन. सो मेरा इंट्रोडक्शन अधूरा रह गया था, मैं अभी ऑफिस पहुँची हूँ, तो पार्किंग से मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ. मैं MNC पुणे के एक IT MNC में काम करती हूँ. आई वर्क हियर एज अ सीनियर प्रोडक्ट इंजीनियर, एंड सो दिस इज़ द लाइफ ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर. एंड या आज का दिन होने वाला है हेक्टिक, सो लेट्स स्टार्ट टू फिनिश इट एज सून एज पॉसिबल. सो या लेट्स गो. It was such a hectic day. Oh my god, I am literally dead. I am literally dead, and I have to go home and I have to work again. This is part of my life. Oh god. So yeah, I'm going home finally. अभी बजे है अराउंड 8 o'clock. सभी बजे है 8 o'clock, एंड मैं जनरली ट्राई करती हूँ कि 6 या 7 के मतलब वो जो पीरियड होता है उसको अवॉइड करूँ, बिकॉज शिवाजी नगर का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग जाता है.
तो आई टेंड टू यूजुअली लाइक लीव 7:30, बट आज 8 हो गया एंड अभी जा रही हूँ घर पे. एंड घर पे जाने के बाद वापस से मेरे को लैपटॉप खोल के बैठना पड़ेगा. बट आई एम वेरी हंग्री, आई हैव टू गो होम. सो मैंने पर्क लेके मैं अभी घर जा रही हूँ. इतनी सी पर्क लेके आई वाज लाइक आई एम हंग्री, आई हैव टू ईट समथिंग. तो अभी लेट्स गो. जाते जाते मस्त म्यूजिक सुन के जाने वाली हूँ, बिकॉज आई जस्ट नीड टू लाइक वॉश आउट ऑल द हेक्टिक एक्टिविटी वट एवर हैपन टूडे. सो मस्त म्यूजिक सुनते सुनते जाऊँगी घर पे. घर पे जाने के बाद जो होना है वो होना है. अभी मस्त इंजॉय करके जाने वाली हूँ मैं. लेट्स गो. सो मैं पहुँच चुकी हूँ मेरे इस अमेजिंग घर में. एंड घर आके रियलाइज होता है कि घर कितना अच्छा होता है, कितना कंफर्टेबल होता है. तो मैंने डिसाइड किया है कि नहीं, आज मैं वापस से लैपटॉप नहीं खोलूँगी. अभी मैं जाऊँगी बाहर, बिकॉज इट्स फ्राइडे नाइट. आज फ्राइडे है, नाइट है, बाहर जाना है, बस बाहर जाना है, एंजॉय करना है. तो हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड जाने वाले हैं बाहर एंड एंजॉय करेंगे. सो लेट्स गेट रेडी एज क्विकली एज पॉसिबल. ठीक है, टायर्ड हूँ मैं, बट उतना ही एक्साइटेड हूँ मैं. क्योंकि अगर दिन भर टायर्ड हो जाए एंड घर पे आके भी वापस यू जस्ट स्लीप, देन इट्स ऑफ नो यूज़. कुछ यूज़ ही नहीं है उस बात का कि तुम लोग घर पे आ रहे हो टायर्ड से एंड फिर आके जस्ट बेड पे जाके सो जा रहे हो. देन व्हाट्स लाइफ? सो लिव योर लाइफ. तो आई एम रेडी फॉर अ अमेजिंग फ्राइडे नाइट. फाइनली बहुत दिनों बाद हम लोग ऐसे जा रहे हैं, फ्राइडे नाइट सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो हम लोग जा रहे हैं तीरा, जो वाकर रोड पे है. तीरा मतलब दोनों है, डांस फ्लोर भी है एंड होटल भी है. तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं. दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम विजिटिंग तीरा एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो देयर. एंड दिस इज़ माई आउटफिट. आई एम वेयरिंग अ बेसिक ब्लैक जीन्स, वाइट टॉप विथ लेदर जैकेट एंड अ क्लासिक रेड लिपस्टिक. So let's go have some fun. I just came back home from our amazing dinner at Tira. तो अभी बज चुके हैं अराउंड 12:30 एंड हम लोग अभी आज का दिन इधर ही समाप्त होता है. आज का दिन बहुत बहुत हेक्टिक था. मतलब एट वर्क इट वॉज रियली हेक्टिक. तो आज का दिन यही समाप्त होता है. अभी आई चेंज इन टू सम वेरी कम्फर्टेबल क्लोथ्स एंड आई एम जस्ट गोइंग टू यू नो जस्ट सिट एंड बिंज वॉच समथिंग. काम कल सुबह उठ के करूँगी मैं, बट आज के लिए इट्स डन. आज अभी मस्त इट्स टाइम टू बिंज वॉच सम गुड सीरीज. हम लोग सोच रहे हैं, मैं सोच रही हूँ क्यूबिकल्स देखूँ, बिकॉज इट्स गेटिंग प्रिटी रिलेटेबल नाउ. सो या इधर क्यूबिकल्स या फिर नेटफ्लिक्स पे बॉलिंग कुछ तो देखूँगी मैं. एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग फॉर टुडे. टाटा बाय बाय, गुड नाइट.